हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने एमटीआई रडार ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज हम लोग एमटीआई एंड पल्स डॉपलर रडार डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नोट से जो हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया था। तो एमटीआई एंड पल्स डॉपलर रडार, मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार एंड पल्स डॉपलर रडार। मूविंग टारगेट इंडिकेशन रडार क्या है? बेसिकली ये मूविंग टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए है। मूविंग टारगेट, जैसे सपोज करिए कि आपके मोहल्ले में कुत्ते हैं और वो आपको दौड़ा रहे हैं। जब तक आप दौड़ते हैं तब तक वो आपके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही आप रुक जाते हैं वो पीछे मुड़ के चला जाता है। इसका कारण यही है कि वो केवल मूविंग टारगेट आइडेंटिफाई कर पाता है, वो स्टेशनरी टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसलिए जैसे ही आप रुक जाते हैं आपको दौड़ाना छोड़ देता है, फिर दूसरे टारगेट की तरफ देखना शुरू करता है। तो मूविंग टारगेट आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि दिस विल ओनली आइडेंटिफाई द मूविंग टारगेट, नॉट फिक्स टारगेट। फिक्स टारगेट के साथ उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल मूविंग टारगेट ही आइडेंटिफाई करेगा और उसकी रेंज और वेलोसिटी मेजर करना है। तो दूसरा पोर्शन है पल्स डॉपलर रडार। पल्स डॉपलर रडार कैन नॉट आइडेंटिफाई द वेलोसिटी वेरी एक्यूरेटली। आइडेंटिफाई कर पाएगा लेकिन बहुत एक्यूरेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे ही अगर सपोज करिए कि आपका टारगेट 90 डिग्री ऊपर शिफ्ट कर गया तो जो वेलोसिटी होगी वो बी आर कास 90 हो जाएगी। कास 90 के मतलब जीरो, तो इसलिए यहाँ वेलोसिटी जीरो दिखाने लगेगा जैसे ही 90 डिग्री पर अगर आपका टारगेट गया। जैसे आपका एंटीना अगर ये सामने है तो ये आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ तो ये आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है। तो एम टी आई एंड पल्स डॉपलर रडार दोनों ही मूविंग टारगेट के लिए हैं, लेकिन एक में रेंज ठीक से एक्यूरेटली में वेरीफाई हो पाता है और दूसरे में वेलोसिटी। तो एम टी आई रडार वेलोसिटी के लिए बेसिकली है, रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन पल्स डॉपलर रडार के थ्रू हम लोग रेंज ज़्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाते हैं। तो दीज आर द डिटेल्स फॉर एम टी आई एंड पल्स डॉपलर रडार। लोगों ने पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था कि ये डॉपलर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है, इसका यूज करते हैं हम लोग, और दिस फ्रिक्वेंसी शिफ्ट विल ऐड ऑन द ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी। और एम टी आई रडार यूजली ऑपरेट विथ एम्बिगियस डॉपलर मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पीड्स, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्ट है ब्लाइंड स्पीड्स, इसको ठीक से डिस्कस करेंगे हम लोग। और हम लोगों ने ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़े ही थे कि इसमें एक रेफरेंस होगा सिग्नल ए टू साइन टू पाई एफ टी सपोज कीजिए, एंड इको सिग्नल दैट इज वी इको ए थ्री साइन टू पाई एफ टी प्लस माइनस एफ टी टी माइनस 4 पाई एफ टी आर इन नॉट बाई सी। यहाँ पर ये मेन है एफ टी प्लस माइनस एफ टी। अगर आपका टारगेट आ रहा है मतलब एंटीना साइड में इनकमिंग या इनसाइड आ रहा है तो ये फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग में होगी, एफ टी प्लस एफ टी हो जाएगा। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर जा रहा है तो ये हो जाएगा एफ टी माइनस एफ टी, है ना। तो दीज आर द इको, और उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी डिले कैंसलर में और वहाँ से हम लोग एफ टी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ये रिसीवर सेक्शन, ये ट्रांसमिटेड सेक्शन। ट्रांसमिटेड सेक्शन और रिसीवर सेक्शन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ये पल्स रडार यूजिंग डॉपलर इंफॉर्मेशन, है ना, ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी एंड रिसीव्ड फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये देखिए, ये आपकी जो ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी ये पल्स फॉर्म में है ना। हम लोगों ने पल्स के फॉर्म में बात की है और यहाँ पे वेव फॉर्म दिख रही है तो ऐसा लग रहा है ये पल्स मॉड्यूलेटेड फॉर्म में है ना। ये एक पल्स एंड दिस इज सेकेंड पल्स,
थर्ड पल्स एंड फोर्थ, ये फोर्थ पल्स दिख रही है आपको, और यहाँ मैग्नीट्यूड कोई एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहीं डिक्रीज हो रही है कहीं पर इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज और डिक्रीज का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका टारगेट या तो बाहर जा रहा है या तो फिर अंदर आ रहा है। यहाँ पे लिखा है देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट फ्रॉम द मिक्सर विथ डॉपलर फ्रिक्वेंसी इज लार्ज कंपेयर विथ रेसिप्रोकल, है ना। FD इज स्मॉल कंपेयर टू रेसिप्रोकल, तो जैसे ही FD इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में होगी आपको इस तरीके की वेव फॉर्म मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये A से लेके E तक कुछ वेव फॉर्म मिले, दीज आर इको सिग्नल्स बेसिकली। यहाँ पर देखिए, जो भी फिक्स टारगेट है उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मूविंग टारगेट है तो उनके मैग्नीट्यूड्स में चेंजेज आ रहे हैं। मूविंग टारगेट जिस तरीके से अगर आपके नज़दीक आ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा हुआ मिलेगा, अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर के आउट साइड में जा रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड घटा हुआ मिलेगा। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको ब्लाइंड स्पीड में मिल रही हो, विलंब मेजर कर पा रहे हो, है ना। यहाँ पर देखिए, ये मेनी स्वीप्स है ना, जो कि मूविंग टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए ए से लेके ई तक ये जो भी वेव फॉर्म है, ये मूविंग टारगेट और फिक्स टारगेट इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए है ना। ये यहाँ लिखा भी है कि ए स्कोप स्वीप्स पल्स रिपीटेशन इंटरवल इकोज फ्रॉम फिक्स टारगेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, बट इकोज फ्रॉम मूविंग टारगेट वेरी इन एम्पलीट्यूड फ्रॉम स्वीप टू स्वीप एट ए रेट करस्पॉन्डिंग टू डॉपलर फ्रिक्वेंसी, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये FT आइडेंटिफाई हो इसके लिए हम लोग डिले लाइन कैंसलर यूज करते हैं। डिले लाइन कैंसलर, ये क्या किया है, जो भी रिसीव सिग्नल है जो उसमें जो प्रीवियस सिग्नल है उसको यहाँ डिले लाइन के लिए देते हैं, उसके साथ जो भी आपको सिग्नल मिला है उसको यहाँ पर प्रीवियस सिग्नल के साथ सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट करके जो आउटपुट मिलेगा वो केवल FD मिलेगा, है ना, वो केवल FT मिलेगा। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, डिटेल ब्लॉक डायग्राम ऑफ MTI रडार विथ पावर एम्पलीफायर, है ना। तो यहाँ पर दो बेसिक ऑसिलेटर्स यूज किए गए हैं, एक स्टेलो है, दूसरा कोहरेंट ऑसिलेटर और स्टोरेज ऑसिलेटर, तो सॉरी स्टेबल ऑसिलेटर। तो ये दो फिक्स्ड ऑसिलेटर्स हैं, तो इनको हम लोग मिक्सर में यूज करते हैं। यह डुप्लेक्सर यूज किया है सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए और सिग्नल रिसीविंग के लिए, है ना। तो दिस इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ MTI रडार। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत आसान भाषा में लिखा है कि बाय जनरेटिंग द ट्रांसमिटेड सिग्नल फ्रॉम को रेफरेंस सिग्नल द फंक्शन ऑफ स्टेलो इज प्रोवाइडेड द नेसेसरी फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी टू द ट्रांसमिटेड RF। तो MTI रडार विथ पावर ऑसिलेटर ट्रांसमीटर,